जो हमारी पहली वेबसाइट है उसका नाम है autodraw.com और ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट है। यानी बहुत सारे लोगों को जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ड्राइंग करते हैं तो बनाने में बड़ी परेशानी आती है। आमतौर पे जो लोग एमएस पेंट में ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन ये जो वेबसाइट है आप जैसी भी ड्राइंग बना दें ये आपकी ड्राइंग को एक बेहतरीन ड्राइंग में चेंज कर देगी। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक झोंपड़ी बनानी है तो मैं इस तरह से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एक आर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और जैसे ही मैं माउस का कर्सर छोड़ूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर मुझे उससे रिलेटेड जो ड्राइंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब मुझे इसमें से कोई भी एक ड्राइंग सेलेक्ट कर लेनी है जैसे ये वाली, तो मेरे क्लिक करते ही वो ड्राइंग यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे एक ट्री बनाना है तो बस इस तरह से मैं कोई भी ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करके चाहे जैसी भी, अगर आपको बनानी आती है तो ठीक है, नहीं बनानी आती है तो भी ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो जो भी ड्राइंग चाहिए वो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और आपका ट्री बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फीचर है ये है ऑटो ड्रॉ फीचर और जब आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप आइकन बना रहे हैं, अगर कोई ग्राफिक बना रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मान लीजिए मुझे एक साइकिल बनानी है तो मैंने यहाँ पे दो इस तरह के जो पहिए हैं वो ड्रॉ किए, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आपको ड्रॉ कर देना है और बस आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ऊपर साइकिल का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करते ही साइकिल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको 360 रोटेट करा सकते हैं, हॉरिजेंटिकल वर्टिकल कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फिल कलर अगर आपको कहीं भी कैसा भी करना है, नीचे से आप कलर सेलेक्ट करिए और उसको इस तरह से फिल कर दीजिए। तो अगर आप एक बढ़िया ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर करा सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसके लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। अगर आपको ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल क्लियर करनी है तो बस यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करिए, आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरी वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है AI पिक्चर कलराइज और इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वेबसाइट भी आपके ब्लैक एंड वाइट फोटो को सेकंड्स के अंदर कलर कर देती है। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत फाइन तरीके से किसी भी फोटो को कलर कर सकती है। तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, नीचे कलराइजेशन फैक्टर्स आपको मिलते हैं 12-15, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है। हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से कलराइज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये फ्री है, पहली चीज़ तो ये आपको कोई इसके पैसे नहीं देने हैं, फ्री API है। इस पर सिंगल आपको क्लिक करना है, ये फोटो कलर हो गया है, जो पहले ब्लैक एंड वाइट था इस तरह का कलर आपको मिल जाता है। अगर आपको डाउट है कि ये ठीक से कलर नहीं करती है तो हम मैं यहाँ पे एक इमेज और लेके आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी इमेज लेने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है। अब अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सीनरी ली है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि आइंस्टाइन के फोटो में वो बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर नहीं थे, यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। अब ये यहाँ पे अपलोड होने के लिए आ गई है। कलराइजेशन फैक्टर आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से अब 12 की जगह 15 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलराइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज थी और अब ये कलर हो गई है, इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारी जो कलर इमेज है, अब मैं आपको ब्लैक एंड वाइट वाली इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप दोनों इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्काई कलर है वो स्काई कलर आया है और नीचे आपको जो घास का कलर दिख रहा है वो ग्रीन है। इसी तरीके से आप सारे कलर्स को ठीक से मैच करा सकते हैं। AI बेस्ड कलर किए हैं, सेकंड्स के अंदर किए हैं, अगली वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है RemoveBG। तो ये सारे वेबसाइट्स ना आपको बुकमार्क कर लेने हैं अपने ब्राउजर में, क्योंकि कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे ये क्या करती है, ये सेकंड के अंदर किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने की शक्ति रखती है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड करनी है। तो जैसे मेरे पास एक ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो वेबसाइट है आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और 3 से 4 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से, यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। HD में डाउनलोड करने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाह रहे हैं अपनी इमेज के बैकग्राउंड की जगह और कोई बैकग्राउंड लग जाए तो सिंगल क्लिक आप करेंगे फ़ोटो पे और उसकी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। और आप सेकंड के अंदर बिल्कुल फ्री में जो मिनिमम क्वालिटी पे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं PNG में अपनी इमेज को डाउनलोड करना तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपकी जो PNG इमेज है वो बैकग्राउंड के बिना आप डाउनलोड कर पाएंगे और कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बुकमार्क कर लीजिएगा,
बहुत काम आने वाली है। फ्री में आप इससे कई सारी इमेजेस को बड़े आराम से उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है dictation.io और ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे बेस्ड वेबसाइट है। अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भारतीय भाषा में बोलकर टाइप करना है, आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कोई भी टाइपिंग नहीं आती है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। केवल वॉइस कमांड के साथ में ये बहुत सारे काम करती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से ये पेज दिखाई देगा, इससे डेटा को हटा दीजिए कि यहाँ से जिस भी भाषा में आप बोलकर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलकर टाइप करना चाहते हैं, उस भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सारी भाषाएं आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो मान लीजिए हमें हिंदी में कोई काम करना है तो हिंदी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो माइक का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं माइक पे क्लिक कर देता हूँ, अभी आपसे अलाउ करने के लिए बोलेगा और अलाउ करने के बाद मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अलाउ कर देता, यहाँ से आपको इसे स्टॉप कर देना है। अगर आपके बोले गए जो भी लाइन आपने बोली है उसमें अगर आपको कोई गलती दिखाई देती है तो आप उसको यहाँ से बड़े आसानी के साथ में सुधार सकते हैं और दोबारा से भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये मुझे ख़ास तौर पर बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ एडिटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर कहीं और आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्लिपबोर्ड में इसे कॉपी कर सकते हैं। इसको सेव भी आप कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे पब्लिश कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। सीधे ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, आप पीडीएफ में भी इसे सेव कर सकते हैं और इस नोट को अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक और अगली और बहुत बेहतरीन और काम की वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी अगली वेबसाइट है वो i2ocr.com है और इसका यूज़ क्या है। कोई भी प्रिंटेबल टेक्स्ट है आपके पास में, आपने प्रिंट निकाल लिया है कि आपके पास कोई प्रिंट आया है, कोई पीडीएफ फाइल है, मोबाइल से आपने फ़ोटो खींचा है और उस जो फाइल है उसमें से आपको टेक्स्ट निकालना है और उसे एडिट करना है। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी वेबसाइट हिंदी के लिए OCR नहीं देती हैं, लेकिन ये वेबसाइट हिंदी के लिए भी OCR आपको प्रोवाइड कराती है। OCR का मतलब ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी आपकी किसी भी इमेज के अंदर से आपके जो कैरेक्टर हैं उनको निकाल लेता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल का ऑप्शन है, URL का ऑप्शन है। तो फाइल वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं, यहाँ पे हमने हिंदी भाषा सेलेक्ट कर रखी है, अगर और कोई भाषा हो तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कई सारी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, देखिए यहाँ पे गुजराती भी दी गई है और नीचे आई थिंक और भी दी गई होंगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, URL यानी किसी अगर वेबसाइट को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो हम फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, मैं आपको प्रॉपर्टी चेक करके दिखा देता हूँ इसकी। ये देखिए एक JPG इमेज फाइल है, फ़ोटो है और इसमें कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे आप, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप एक रोबोट है, तो रोबोट तो हम बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से इसको टिक लगाएंगे और यहाँ से ये बटन को प्रेस करेंगे तो 2-3 सेकेंड भी ये लगाएगा और नीचे यहाँ पर आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा हिंदी टेक्स्ट के अंदर। तो ये तो जो हमारी इमेज है और ये हमारा जो इमेज के अंदर से टेक्स्ट निकला है वो है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे बड़े आसानी के साथ में एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं ट्रांसलेट करना तो गूगल ट्रांसलेट में आप इसे तो खोल सकते हैं, बिंग में भी खोल सकते हैं, गूगल डॉक में आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ से आप इसको एज अ टेक्स्ट डॉक और यहाँ पे PDF में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी करके कहीं और ले जाना चाह रहे हैं तो भी आप, वेबसाइट है हमारी photopia.com। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है और फिर भी आपको फोटोशॉप के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, देखिए आज के टाइम में जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है या तो आप पायरेटेड इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर आप पेड लेते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा या आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी मंथली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फोटोशॉप की वेबसाइट पे जाके, तभी आप फोटोशॉप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आपको टेम्पररी तौर पे कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, अपने कुछ फ़ोटो एडिट करने हैं, क्रॉप करने हैं, तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो फोटोशॉप के अंदर होते हैं। देखो जब फाइल पर आप जाओगे और यहाँ से न्यू क्लिक करोगे तो बिल्कुल जो नया फोटोशॉप है उस जैसे सारे आप ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया के लिए फेसबुक कवर बनाना है, इवेंट कवर बनाना है, ग्रुप हेडर बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर बनानी है, कोई प्रिंट आपको करना है A4 साइज़ में, A3 साइज़ में, आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट मिलेंगे। बस टेम्पलेट को सेलेक्ट करो, क्लिक करो और बनाना शुरू कर दो। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड किस तरह की चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, कस्टम चाहिए, कितने DPI चाहिए, यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट इंच में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ओपन करके दिखा देता हूँ,
ये देखिए ये फोटो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो ये फोटो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको क्रॉप करना है, सिंपल आप क्रॉप के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको फिक्स साइज पे क्लिक करना है या फिक्स रेशियो पे क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे एक साइज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं इससे आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से डबल क्लिक आप करेंगे तो फोटो क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से फोटोशॉप अगर आपको ऑनलाइन चलानी है तो ये एक अच्छी वेबसाइट, अगर आप एनिमेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वेबसाइट आपको बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। ये सिंगल पेज की वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे एनिमेशन के टूल दिए गए हैं और बहुत आसानी के साथ में 2D एनिमेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनेगा, बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, मानिए मुझे एक बॉल दिखानी है जंप करती हुई, तो जो एनिमेशन होते हैं वो फ्रेम बाई फ्रेम होते हैं, आप अलग अलग फ्रेम बनाकर एनिमेट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे ये पहला फ्रेम है और पहले फ्रेम के बाद आपको एक और फ्रेम इसमें जोड़ना है, तो बस यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और जो दूसरा फ्रेम है वो आपको दिखाई दे जाएगा, पहले वाले का प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। तो दूसरा फ्रेम इसके थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, तीसरा फ्रेम फिर और नीचे लगा देते हैं, बस प्लस करते जाना है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन आपको बना के दिखा देता हूँ और ये बहुत जल्दी बना रहा हूँ। देखिए अब ये जो मैं एनिमेट कर रहा हूँ इसको, बॉल को या सर्कल को, वो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से सर्कल मूव होता रहे चारों तरफ, तो मैं फ्रेम इसमें जोड़ता जा रहा हूँ। फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये जितने फ्रेम मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा उतने फ्रेम का ये जो एनिमेशन है बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने लगभग इसमें यहाँ पे अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमने 10 से 12 फ्रेम इसमें जोड़ दिए हैं। अब इसको हमें रन करना है यानी चलाना है, बस यहाँ से आप इसकी स्पीड को तय कर सकते हैं कि तेज रहेगी या स्लो रहेगी। तो मैं यहाँ पे स्लो की तरफ इसको ले जाता हूँ क्योंकि हमने फ्रेम बहुत कम बनाए हैं, अगर ज़्यादा फ्रेम हो तब आप फास्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरा जो सर्किल है वो कुछ इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसे एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। आप सीधे सीधे एनिमेशन को सेव कर सकते हैं या यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।